शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विजय जी, आपने ये बड़ी बात कही है कि एससी एसटी को 25 सीटें ज्यादा देंगी, तो परिसीमन को लेकर क्या आज बातचीत होने वाली है, और उससे पहले क्या कुछ आप लोगों ने रणनीति तैयार की है? देखिए, जहां तक जम्मू और कश्मीर की स्थिति है, वहां पर दलितों की और खासतौर से जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनकी और जनजातियों के लोगों की बहुत बदतर स्थिति है। वहां पर तो दलित समाज के लोगों को केवल और केवल सफाई के काम के लिए ही नियुक्त किया जाता है, उनको और कोई काम करने का संवैधानिक अधिकार भी नहीं है। यहाँ तक ये सब सारी चीजें वहाँ के जो पिछला संविधान था उसमें लिखा हुआ था। बहरहाल 370 के बाद वो सारी स्थितियां खत्म हुई हैं, और पहले जिस तरह से वहां पर केवल 8 सीटें रिजर्व होती थी जी, और ये जो नया परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, तो उसमें बहुत सारी सीटें बढ़ेंगी। उसमें लगभग 10 से 12 सीटें शेड्यूल कास्ट की हो सकती हैं और 15-16 सीटें लगभग ट्राइबल को भी मिलेंगी। इस तरह से वहां पर 25 से ज्यादा ही सीटें एससी और एसटी के खाते में आएंगी, और अगर ऐसा हुआ तो वहां का पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी बदल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उसको पिछड़ा रखने का प्रयास किया गया जम्मू कश्मीर को, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ खराब हो गया, जिस तरह से वहां पर कश्मीरी पंडितों को निकाल करके बाहर किया गया 91 में, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ये जो डिलिमिटेशन अगर होता है जी तो उसमें सेटल होंगी, और हमें पूरा उम्मीद है कि कुछ ऐसा होने जा रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए विजय जी आपका। तो एक नया डिस्कोर्स तैयार करने की कोशिश हो रही है, एक नई रणनीति है जिसके बारे में विजय सोनकर शास्त्री बता रहे थे।